गियरबेस्ट मना रहा है अपना 5वां एनिवर्सरी, जिसमें कि आपको बहुत सारे एक्साइटिंग डील मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्रेजी फ्लैश सेल मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं प्रोडक्ट पर, बहुत सारे आपको फ्री में कूपन मिलने वाले हैं। इसका गिववे चल रहा है। अगर आपको जानना है, कुछ खरीदना है, कुछ यहाँ पर बहुत सारे फ्लैश सेल में आपको इंटरेस्ट है, तो आप नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें और जाइए gearbest.com पर और बहुत सारे डील का लाभ उठाइए। थैंक यू। Realme 3 Pro, इतना सारा लीक, इतना सारा अफवाह इस फोन के बारे में, तो लोग जो है इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि Redmi Note 7 Pro लें या ना लें, वो फोन काफी क्लियर होगा, Redmi Note 7 Pro को टक्कर दे देगा, मतलब इतना सारा वीडियो बन रहा है। लेकिन दोस्तों, वो सारे वीडियो मेरे ख्याल से सब गलत है। Realme 3 Pro में जितना बढ़ा चढ़ा का यहाँ पर लीक्स बता रहे हैं लोग, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ यहाँ पर सही है, कुछ यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है। आज हम बात करेंगे Realme 3 Pro में क्या यहाँ पर उम्मीद है मिल सकता है। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताना जरूरी पड़ गया। हेलो, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक बहुत कुछ बदल सकता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप यहाँ पर पहला लीक कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं Realme 3 Pro में आपको ग्लास बॉडी मिल सकता है पीछे और मेटल का फ्रेम मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, Realme का हिस्ट्री आप देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी ही आपको बैक साइड में मिलेगा और कोई ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस जो Realme 3 के डिज़ाइन से नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर Oppo का जो F11 Pro मिला है वैसा ही कुछ डिज़ाइन देखने को मिल सकता है Realme 3 Pro का। तो यहाँ पर अगर उम्मीद करेंगे ग्लास बैक का, मेटल फ्रेम का, तो मुझे जो ये उम्मीद है थोड़ा थोड़ा लग रहा है 20% चांस है। यहाँ पर 80% चांस है पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको मिलेगा Realme 3 Pro में। तो यहाँ पर ये लीक्स जो है Redmi Note 7 Pro का सेल जो है कम करने के लिए लाया गया है खुद Realme की तरफ से, और Realme ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन यहाँ पर आगे में जो गोरिल्ला ग्लास होगा वो 6 का प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है डिस्प्ले में। जी हाँ, 6.4 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल सकता है, गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, वाटर ड्रॉप नोस हो सकता है। लेकिन Redmi Note 7 Pro से आपको एक यहाँ पर एडवांटेज ज़्यादा मिलने वाला है, गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है और यहाँ पर बॉडी टू स्क्रीन रेशियो जो है काफ़ी अच्छा होने वाला, लगभग यहाँ पर 90% से ऊपर होने वाला है, जो कि यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में काफ़ी भद्दा सा छीन दिया गया है, वो आपको Realme 3 Pro में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये हुआ। बाकी दूसरा लीक, स्नैपड्रैगन का 675 Realme 3 Pro में, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। Realme ने ऑफिशियली जो है हिंट दे दिया था, एक फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर हिंट दिया था, और वहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं 7 दिखाई दे रहा था, और मैंने आपको लगभग उसी दिन बता दिया था कि Realme का 3 Pro जाएगा उसमें आपको 700 का प्रोसेसर मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 710 आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर Realme का एक हेड है, कोई यहाँ पर जो लॉन्च मैनेजर करता है, वहाँ पर जैसे Redmi Note 7 Pro लॉन्च हुआ था उसने यहाँ पर पूछा था 675 जो स्नैपड्रैगन का वो 710 से बेटर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर Realme का जो नेक्स्ट डिवाइस होने वाला है उसमें आपको 710 मिल सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो 712 आपको देखने को मिलेगा Realme 3 Pro में, ये यहाँ पर कंफर्म न्यूज है। बाकी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि टाइप सी का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा Realme 3 Pro में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन माइक्रो यूएसबी मिलेगा। यहाँ पर खुद माधव सेठ ने बताया था यहाँ पर एपिसोड में, जो यहाँ पर आस्क माधव एपिसोड होता है उसमें उन्होंने बताया था कि माइक्रो यूएसबी जो होता है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब हिंट है कि अगले आने वाले डिवाइस में माइक्रो यूएसबी पोर्ट ही होगा। बाकी आपको जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला, ऐसा कुछ यहाँ पर लीक्स बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माधव सेठ ने खुद कंफर्म किया है कि वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है किसी फ़ोन में अभी लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इस पर कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 16+5 आएगा, कोई नया यहाँ पर जो सेंसर यूज़ करेगा Realme, काफ़ी अच्छा कैमरा देगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे सेल्फी, तो सेल्फी जो है आपको 25 मेगापिक्सल का मिल सकता है, जी हाँ, Realme U1 वाला, जो कि काफ़ी बेटर होगा Redmi Note 7 Pro से। तो कैमरे के बारे में अभी उतना जो कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैटरी जो है 4000 mAh से ऊपर मिल सकता है आपको Realme 3 Pro में। आपको दो वेरिएंट ही मिलेगा, 464 और 6128, और इसके साथ आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे Realme 3 Pro का Redmi Note 7 Pro से, तो थोड़ा यहाँ पर जो है Realme 3 Pro टक्कर देगा Redmi Note 7 Pro को, वो आगे नहीं निकल सकता है। मेरे ख्याल से आगे नहीं निकल सकता है। Realme जो है Redmi को फॉलो कर रहा है,
और फॉलो करने वाले हमेशा जो है एक कदम पीछे ही रहते हैं। तो Realme मेरे ख्याल से उतना कोई भी धमाका नहीं करेगा Realme 3 Pro से। आपको यहाँ पर टक्कर जरूर मिलेगा Redmi Note 7 Pro में, लेकिन उतना भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों एक सवाल है आपसे, क्या आपको ColorOS 6 अच्छा लगा? अगर आपने यूज किया तो आप हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।